श्री शिव पुराण महात्मा श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं प्रभु। मुझमें पुराणों की कथा के सार्थत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए प्रभु। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो, तात वह ऐसा साधन हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए और उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उपाय, परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूपी तथा दिव्य है, उसे तुम श्रवण करो। मुने, वह एक परम उत्तम शास्त्र है, शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनिका का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है, इसे इस भूतल पर भगवान शिव का बांगमय स्वरूप समझना चाहिए और इस प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप है, इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करने मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है, अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसके 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर के साथ श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है, अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, यह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के
वेस्टर्न से इस शिवपुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिवपुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वत्र है, जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता है उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिवपुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप से चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए।